अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। इतने जल्दी 14 रमज़ान हो भी गया, पता भी नहीं लगा, रोज़े भी नहीं मालूम पड़े। इस बार की गर्मी भी नहीं हुई, क्योंकि जब से रमज़ान स्टार्ट हुई पहले बारिशें हुई फिर सर्दियाँ आ गई, तो बिल्कुल भी रोज़े नहीं पता लगे कि हमने रोज़े रखे हैं। आज का व्लॉग मैं सैरी से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं बना रही हूँ पराठे चाय, और जो खाना है वो रमेश के लिए गर्म कर रही हूँ। रोज़ चाय पराठा खा के मैं बोर हो गई थी, तो मैंने सोचा आज मैं कुछ नया ट्राई करती हूँ। तो मैं बना रही हूँ ओमो आली मेरे स्टाइल से। दो पराठे रोस्ट करने के बाद में मैंने इसको हाथ से छोटे छोटे पीस कर लिए, और उसके बाद में हाफ कप मिल्क में मैंने थोड़ा सा कंडेंस मिल्क और थोड़ी सी क्रीम डाल के इसको मिक्स कर लिया। मिल्क में एक बॉयल आने के बाद में इसको हम मिक्स कर देंगे पराठे में, और यकीन जाने ये बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत मज़ा आया। इशार को भी बहुत मज़े का लगा। सहरी करने के बाद नमाज पढ़ी, नमाज खेल के ये लोग के खेल फिर भी नहीं ख़त्म हुए। ये लोग 7-8 बजे तक रोज़ जागते हैं आजकल। सुबह लेट सोते हैं इसलिए दोपहर में लेट उठते हैं। रमेश के जाने के बाद आज हम लोग उठे, हम लोग को पता भी नहीं लगा रमेश कब गए। इशाल को तैयार करने के बाद मैंने नीचे भेज दिया था, फिर इल्हाम को तैयार किया, फिर नमाज पढ़ी, उसके बाद मैं नीचे आई हूँ। तो अभी 5:15 हो गया। इफ्तारी में तो आज भी कुछ नहीं बनाया, जो कल का है बस उसी से गुजारा कर लेंगे। सबसे पहले इल्हाम को मैं ग्रोसरी लेके गई, क्योंकि इशाल का तो रोज़ा था, तो फिर इल्हाम ने जूस और चिप्स लिए, यहाँ पर बैठ के उसने खाना चालू कर दिया। आजकल इशाल की जो फ्रेंड है ना, वो इल्हाम की भी फ्रेंड बन गई है, तो वो उसके साथ में भी खेलते रहती है। बस हम लोग अपने घर के आसपास ही वॉक कर रहे थे, और ये लोग जो है ना अपने टॉयज वगैरह लेके जाते हैं रोज़ खेलने के लिए, लेकिन बाद में मेरे हाथ में दे देते हैं। आजकल मैं स्ट्रॉलर भी नहीं लेके जाती हूँ, क्योंकि इल्हाम बैठती नहीं है, और उसको बिठाओ तो वो बहुत रोती है, तो इसके लिए मैंने छोड़ ही दिया लेके जाना। तो बस इन लोग एक एक करके मुझे सारे टॉयज देते जा रहे हैं। मैंने बोला है कि इशाल को मैं एक हाथ में कितने सारे टॉयज पकड़ूँ, और एक हाथ से मुझे वीडियो भी शूट करनी है। तो इशाल बोलती है ओके आई विल हेल्प यू, तो मेरे हाथ से 2 टॉयज ले लिए उसने। इशाल के सामने एक पेड़ नजर आया, तो उसमें से ये बर्ड्स लेके आई है और मुझे दिखा रही कि इसके अंदर देखिए मामा कैसे फ्लावर है। This is not beauty के बाद, this will bloom. Just wait, let them bloom. They will bloom and it will become. इल्हाम ने मेरे हाथ से टॉयज ले लिए और बोलती है कि मुझे यहाँ पे बैठ के खेलना है। अभी 6 बज रहे हैं, इशाल को मैंने बोला चलो चलते हैं, अभी रोटी भी लेने जाना है। इल्हाम को इस विला में ना प्ले एरिया नजर आ गया। अब इल्हाम बोलती है मुझे अंदर जाना है, हम लोग बोलते हैं नहीं ये प्ले ग्राउंड नहीं है, ये किसी का घर है, हम लोग नहीं जा सकते। तो बस हमने रोटी ली, उसके बाद मैंने एक समोसा लिया और इशाल के लिए जलेबी ली, और फिर घर आके रोज़ा खोला। रोज़ा खोलने के बाद पहले मैंने नमाज़ पढ़ाई, फिर इशाल को पढ़ाई, क्योंकि इशाल को अभी चीज़ें याद नहीं हुई हैं, तो उसको प्रैक्टिस कराना है रोज़ रोज़। चाय पीते पीते मैंने सारे कपड़े भी फोल्ड करके रख दिए। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सोचा था कि इन दोनों को शावर दे दूँगी, लेकिन इल्हाम का नैप टाइम हो गया था तो वो तो सो गई थी, फिर मैंने सिर्फ इशाल को पहले शावर दे दिया। आजकल इल्हाम है ना ऐसे खेलते खेलते ईशा के टाइम तक सो जाती है, उसके बाद उठती है 10 बजे, फिर हम लोग वॉक करने जाते हैं। रोटी सोके इशाल को शावर देने के बाद मैंने बेडरूम का जो कर्टन था वो निकाल लिया, वहाँ पे तो बंक बेड रखा है ना, तो इजीली निकाल लिया मैंने। लेकिन जो लिविंग रूम का है वो तो बहुत हाई है, उसमें तो डबल चेयर के रख के भी मेरा हाथ नहीं जा रहा था। फिर मैंने ब्रूम की मदद से उसको ऐसे गिराया है पर्दे को, फिर वापस से LED लाइट पूरी निकाली, वापस लगाई, फिर ऐसे दूसरा वाला कर्टन डाला, फिर इनको वॉश किया। उसके बाद में इल्हाम उठ गई, और इल्हाम बस रो रही है कि मुझे गोद में लो, क्योंकि इल्हाम जब उठती है सोके तो बस उसको मेरे गोद में ही बैठना होता है। उसके बाद इल्हाम बोलती है मुझे स्विंग में झूला लेना है, तो मैंने उसको लिटा दिया था, साथ साथ में मैं उसको हिलाते भी जा रही थी, और जो ये बेडशीट इल्हाम और विशाल ने जम जम करके फाड़ दी थी उसको मैं फिक्स कर रही थी, क्योंकि ये लोग इतना जम करते हैं, वो इतना छोटा सा फटा हुआ था लेकिन लोग ने जम जम करके इतना ज़्यादा फाड़ दिया। तो फिलहाल टेम्प्ररी मैं ऐसी इसको सी ले रही हूँ हाथ से, और जब जाएंगे सुपर मार्केट तो लेके आएंगे। बेडरूम की बेडशीट भी चेंज कर ली थी, और पर्दे और बेडशीट दोनों एक साथ मैंने वॉश कर लिए थे। वॉश करने के बाद मैंने उनको वापस से हैंग भी कर दिया था, और सच में जो लिविंग रूम की विंडो है ना वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, उसको बहुत लगाने में मुश्किल है, लेकिन इशाल ने मेरी हेल्प करी। उसके बाद तीनों बेडशीट मैंने ये डोर पर सुखाने के लिए डाल दी, क्योंकि दूसरी जगह और कोई है नहीं हमारे पास, जो रैक है उसके ऊपर कपड़े होते हैं। फिर 1 बज गया था, इन लोगों को भूख लग गई थी, फिर इनको नूडल्स बना के दिए, इन्होंने नूडल्स खाया, उसके बाद बस ये पूरी रात ऐसे ही खेलते रहे। सफाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि आधे घंटे के बाद वापस से सारे खिलौने नीचे आ जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।